क्या आप चाहते हैं कि रोज प्रतिदिन प्रातःकाल आपको माँ पार्वती और शिव जी दर्शन दे दें? तो क्या होगा? जी, ये हो सकता है। कैसे? हमारे पूजन के जो मंत्र हैं उसमें सबसे पहले लिखा रहता है, ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। क्या लिखा रहता है? ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। और फिर उसके बाद में कई देवी देवताओं का की आराधना होती है, उनको बुलाया जाता है, और साथ में बुलाया जाता है किसको? मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। यानी कि माँ और पिताजी के चरण कमल को भी प्रणाम। गणेश जी की पूजा इसीलिए प्रथम की जाती है कि उन्होंने माता और पिता को सर्वश्रेष्ठ अपना घर संसार माना। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी भी आराधना हो जाए रोज, तो आपको गणपति जी की आराधना करनी चाहिए, बल्कि गणपति जी बन जाना चाहिए। अपने माता जी, अपने पिताजी को उच्च स्थान पर बिठाकर उनको शुद्ध पवित्र वस्त्र पहनाकर उनकी आरती आराधना की जाए, उनकी प्रदक्षिणा की जाए, और नाना प्रकार के 52 व्यंजन, 36 प्रकार के भोग माताजी और पिताजी को भी लगाए जाएं। तो प्यारे, यही चीजें आपके साथ में भी वृद्ध अवस्था तक होती रहेंगी। यानी कि आपने अपने माता पिता को शिव जी और पार्वती जी की जगह विराजमान कर देना है। तो जब आपकी बारी आएगी तो आपके साथ में भी ऐसा ही होगा। श्रीमन महागणाधिपतये नमः। और आप पूजन करेंगे, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः, अपनी माताजी को। तो अपनी माताजी और पिताजी को अगर आप रोज प्रातः काल नहाने धोने के बाद, गंगा जी का में स्नान कराने के बाद अपने घर में ले आइए गंगा जी को, और उनको रोज इस तरह पूजा की जाए, तो आपको रोज होंगे शिव जी और पार्वती जी के दर्शन। तो करें आप इस पर विचार। गौ माता को ना भूल जाना और इस पृथ्वी माता को भी ना भूल जाना। ये भी प्रत्यक्ष देवता हैं, बाकी देवता तो हमें पता नहीं, लेकिन माता जी और पिताजी तो प्रत्यक्ष देवता हैं, जैसे सूर्य और चंद्रमा। तो आप करिए इस पर विचार। नमस्कार। जय हिंद भी और जय उत्तराखंड, देव भूमि उत्तराखंड की भी जय हो। मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, ओम गम गणपते नमः।